वेलकम एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फजांस रूल, ठीक है। आई होप तुम लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक। तो आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम फजांस रूल जो हमने समझा था उसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जितने फैक्टर्स हमने पढ़े थे वो सारे फैक्टर्स जो है इन क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। यही तो मैंने बताया था कि फजांस रूल हमें क्या बताता है। फजांस रूल हमें ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए लेट स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें यहाँ पे बताना है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, और वो भी किसमें, बी प्लस टू, एम जी प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हम ये सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ओवरव्यू किस चीज़ का, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ना बेटा, वो ना दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला वो चार्ज पे डिपेंड करेगा और दूसरा वो साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक। वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वन इज साइज एंड द अदर इज चार्ज, ठीक। अब देखो साइज पे कैसे डिपेंड करता है, मैंने तुम लोगों को प्यारा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताया था ना कि कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर अगर याद रखना है साइज वाला फैक्टर, तो वो डायग्राम बस याद रखो कि कैटायन तुम्हारा क्या होना चाहिए, छुटकू। कैटायन को क्या होना चाहिए, छोटा। और एनायन जो है उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। कैटायन छोटा और एनायन जो है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा, ठीक। रीजन सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ कम्स सेकंड पॉइंट, दैट इज चार्ज। चार्ज कैटायन और एनायन पे कैसा होना चाहिए, तो चार्ज देखो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज ज्यादा होना चाहिए ऑन बोथ क्या, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो इतनी बात आई होप तुम लोग को याद होगी। अब देखो थोड़ा सा ना मैं तुम लोग को ये भी बता देती हूँ कि अगर तुम्हें मतलब मान लो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर तुम कहीं पे फंसते हो तो तुम्हें क्या है, अगर तुम्हें आयनिक कैरेक्टर भी पता है कि अच्छा हम जैसे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दे रखा है SnCl4 SnCl2, तो तुम्हें यहाँ पे देखना होगा, अगर तुम ये बता दो कि कौन सा ज्यादा आयनिक है, तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा ना जो ज्यादा आयनिक है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो तुम कोवेलेंट कैरेक्टर वाला भी समझ लो, आयनिक कैरेक्टर, तो तुम लोग आयनिक कैरेक्टर वाला भी समझ लो, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज जो है वो दोनों पे कम होना चाहिए। चार्ज शुड बी लेस फॉर बोथ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा फैक्टर क्या, साइज ना। तो साइज क्या होता है आयनिक कैरेक्टर के लिए, एनायन का छोटा होना चाहिए और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अभी हम डेप्थ में नहीं समझने वाले कि क्यों किस लिए काय को, ये सब अभी नहीं समझना हमको। हाँ हमें क्या समझना, अभी हमें ये छोटी सी बात है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, और ये वाला पॉइंट, और अगर ये वाला पॉइंट अच्छे से याद है तो फजांस रूल के क्वेश्चंस बहुत आराम से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमें बोल रखा है इसमें हमें ऑर्डर बताना है, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये लाई कैसे करते हैं ना, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ये मतलब पीरियड में लाई करते हैं कि ग्रुप में लाई करते हैं, ठीक। तो देखो ये कैसे लाई करते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रे, रे होता है मतलब रेडियम, वो नीचे, लेकिन वो यहाँ पे दिया नहीं है तो हमें उससे काम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डाउन द ग्रुप लाई करते हैं, ठीक है। ये कैसे लाई करते हैं, डाउन द ग्रुप है ना। यहाँ पे तुम लोगों को एक बात समझनी है, अगर तुम लोग देखो तो ये डाउन द ग्रुप लाई कर रहे हैं, इन पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, इन सभी पे क्या है, चार्ज सेम है ना। देखो बेरियम पे भी प्लस टू, मैग्नीशियम पे भी प्लस टू, इस पे भी कैल्शियम प्लस टू, स्ट्रॉन्टियम प्लस टू, बेरियम प्लस टू, सभी पे क्या है, चार्ज सेम है। अगर यहाँ पे चार्ज सेम है तो तुम दूसरा फैक्टर देख सकते हो, यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, साइज नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, साइज यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चार्ज तो सेम है लेकिन साइज यहाँ पे क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, तो जब साइज बढ़ता है ना तो आयनिक पोटेंशियल घटता है, तो जब चार्ज बढ़ता है तो आयनिक पोटेंशियल घटता है, और जब आयनिक पोटेंशियल घटेगा ना तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है, घटती है। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, घटेगा। और मैंने तुम लोग को बता रहा था अगर पोलराइजिंग पावर घटेगा तो क्या घटेगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कहने का ये मतलब है जब तुम बेरिलियम से बेरिलियम तक जाओगे तो क्या होगा, नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर तुमसे ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर बोलोगे, पूछा जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा बेरियम का है, स्ट्रॉन्टियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और बेरिलियम का। लेकिन तुमसे पूछा गया पे ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, बी प्लस टू, फिर एम जी प्लस टू, फिर कैल्शियम प्लस टू, फिर स्ट्रॉन्टियम प्लस टू, और फिर क्या आएगा, बेरियम प्लस टू। तो आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये चीजें समझ आ चुकी है और ये बात तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो, फिर हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लो ये सब चीजें तुम लोग। अब मैं इसे हटा देती हूँ जरा। देखो मैंने तुम लोगों को अभी क्या पढ़ाया था कि अभी तक मैंने तुम लोगों को सिर्फ वो वाले फैक्टर्स बताए थे कि मतलब कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और फिर उसके बाद मैंने बताया था दोनों के चार्ज ज्यादा होना चाहिए, फिर और भी कुछ मैंने बताया था, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, तो ये सारे फैक्टर्स बताए थे। अब मैंने यहाँ पे बेरिलियम वाले में तुम लोगों को एक नया चीज बता दिया कि अगर डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर कैसे चेक करोगे, ठीक है। वैसे ही मैं तुम लोग को बता देती हूँ, अगर तुम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हो, देखो अगर तुम यहाँ पे अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो तो अलोंग द पीरियड में क्या होता है बताओ, क्या होगा, यहाँ पे जब अलोंग द पीरियड कोई भी अरेंज होता है तो वहां पे क्या होगा, चार्ज तो सेम रहेगा नहीं, चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे जाने पे क्या होता है, चार्ज बढ़ता है। अब अगर चार्ज बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, साइज, और हमें पता है चार्ज बढ़ता है, लेकिन जब हम ऐसे मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है, साइज घटता है ना बेटा, ये सब बातें तो पता है ना तुम लोगों को कि क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है। अब साइज घटेगा तो आयनिक पोटेंशियल भी क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। अब देखो अगर नहीं पता है तो आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज बाई रेडियस रेशियो को बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। तो साइज घटता है तो आयनिक पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है, आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा, तो अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो तुम लोगों को इस तरीके से ये बात याद रखनी है। और वैसे ही अगर तुम डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो डाउन द ग्रुप में तुम्हें पता है क्या होगा, चार्ज तो क्या रहता है, सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है लेकिन साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज बाय रेडियस रेशियो घटता है, और ये घटेगा तो पोलराइजिंग पावर भी घटेगा, और पोलराइजिंग पावर घटता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए बताया है जब तुम्हें कोई ऐसे एलिमेंट्स दिखे जो तुम्हें कैसे दिख रहे हैं, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड वाले, ठीक। तो ये वाला डाउन द ग्रुप वाला तो मैंने डिस्कस कर दिया ना ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को डिस्कस करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4th को देखें तो 4th में क्या बोल रखा है, LiCl है, BeCl2 है, फिर क्या दे रखा है, BCl3, और फिर क्या दे रखा है, CCl4, है ना, ये दे रखा है। हमें पता है ये लाई कैसे करेंगे, Li+2 बेरिलियम, Li+1 होगा, बेरिलियम +2 होगा, फिर बोरॉन +3 होगा, और कार्बन क्या होगा, +4 होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये कैसे लाई करता है, इसी तरीके से तो लाई करता है अलोंग द पीरियड। तो हमें दिख रहा है जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो दूसरा बात हमें क्या दिख रहा है, साइज यहाँ पे क्या होता है, घटता है। अब साइज घटता है तो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, सबसे ज्यादा होगा CCl4, फिर क्या आएगा हमारा BCl3, फिर आएगा हमारा
BeCl2, देन कम्स हमारा LiCl, ठीक है। और हमें ऐसे भी पता है कि LiCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है ना। तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट तुम लोगों को समझ आ गया है विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो इसे एक बार कॉपी कर लो तुम लोग। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड को डिस्कस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर तुम देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं, एक काम करती हूँ मैं ये वाला पोर्शन अब हटा देती हूँ, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या दिख रहा है, एफ माइनस सी एल माइनस, फिर क्या आएगा बी आर माइनस, और फिर क्या आएगा आई माइनस। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, हमारा एनायन है, ठीक। तो एनायन के लिए हमें क्या करना होगा, दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक देखना पड़ेगा चार्ज और एक देखना पड़ेगा साइज, ठीक है। सभी चीज के लिए तो यही देखना है ना तुम्हें, तो तुम्हें पता है यहाँ पे चार्ज तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम अब इस फैक्टर को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हमें क्या देखना है, साइज देखना है। और हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जितना ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा, वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो केटाइन्स के थ्रू उतना ज्यादा क्या होंगे, डिस्टॉर्ट होंगे, वो उतना ज्यादा केटाइन्स के साथ केटाइन्स की तरफ जाएंगे। और जब उसकी तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों में शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग होना मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा बताओ, खुद दिमाग यूज करो, आई माइनस, फिर आएगा बी आर माइनस, फिर आएगा Cl- and then comes our F-, ठीक है। तो I hope ये वाला question तुम लोगों का clear होगा, ठीक। तो ये हमने कर लिया। अब हम question number third को देखते हैं। question number third अगर देखो तो यहाँ पे क्या क्या है, question number third में हमारा है, यहाँ पे कर लेते हैं हम, question number third में हमारा F- है, F-, फिर क्या है O-2 और N-3। अब तुम्हें यहाँ पे सीधा सीधा तुम बता सकते हो, ये तो एनायन है, एनायन है, ठीक है। अब एनायन है तो हमें पता है ना कि चार्ज अगर एनायन पे या कैटायन दोनों में से किसी पे भी ज्यादा हो तो क्या होता है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होता है। तो चार्ज यहाँ किस में ज्यादा दिख रहा है, एन माइनस थ्री पे ना, तो सबसे जिस पे ज्यादा चार्ज उसका उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, एन माइनस थ्री पे, फिर ओ माइनस टू पे, एंड देन कम्स आर एफ माइनस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो चुका है। अब हम किस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। लेकिन उससे पहले तुम लोग ये सब चीज जो भी समझ आए उसे कॉपी कर लो, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, हमारा एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम किसके साथ है, सभी में एल्यूमिनियम है, एंड वो फ्लोरीन के साथ है, क्लोरीन के साथ है, ब्रोमीन के साथ है, आयोडीन के साथ है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सब पे चार्ज तो सेम ही है। तो अब हम यहाँ पे किससे डिसाइड कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा एनायन का साइज, जिसमें एनायन का साइज क्या होगा, जितना बड़ा होगा उसमें पोलराइजिंग या पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो खुद समझो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ए एल आई थ्री में, फिर क्या हो जाएगा ए एल बी आर थ्री में, देन कम्स आर ए एल सी एल थ्री, एंड देन कम्स ए एल एफ थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर हम देखें, ये हमारा फिफ्थ हो गया। अच्छा अगर आयनिक कैरेक्टर भी पूछता है तो बस कोवेलेंट का उल्टा कर दो, इतना कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं तो सिक्स में हम कैसे डिसाइड करेंगे, सिक्स में हमें दिख रहा है कि एनायन तो सेम है ना, सभी में क्या है क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक। फिर क्या आया हमारा, हमें डिसाइड किससे करना होगा, अगर हम देखें तो हमारा कैटायन डिफरेंट है, ठीक। कैटायन है सिलिकॉन एल्यूमिनियम Mg और Na। तो अब अगर हम देखना चाहें तो हमें दिख रहा है कि सिलिकॉन पे कितना है, प्लस फोर चार्ज है, फिर Al पे कितना है, प्लस थ्री है, फिर क्या है Mg पे कितना है, प्लस टू चार्ज है, और Na पे कितना है, प्लस वन चार्ज है। तो हम कैटायन के चार्ज से यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा बताओ, जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे, SiCl4 पे ना, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, SiCl4 मोर कोवेलेंट देन AlCl3 देन MgCl2 इज मोर कोवेलेंट देन NaCl, ठीक। तो आई होप तुम लोगों को मेरे सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस ये सब
समझ आ रही हूँ। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे जाते हैं। सेवेंथ भी वेरी इजी, देखो एस पे कितना है, प्लस 6 चार्ज होगा, इस पे प्लस 4 चार्ज होगा, और इस पे कितना हो जाएगा, प्लस 2 चार्ज होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे तुम कैसे डिसाइड करोगे, कैटायन के चार्ज से जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा, SF6, फिर SF4 एंड देन कम्स SF2। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो विच इज मोर कोवलेंट, SnCl4 कि SnCl2, तो तुम्हें दिख रहा है Sn पे कितना है, यहाँ पे प्लस 4 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, प्लस 2 चार्ज है। तो तुम्हें पता है, यहाँ तुम आयनिक कैरेक्टर से भी निकाल सकते हो, तुम्हें पता है आयनिक कैरेक्टर होने के लिए चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो चार्ज कम होगा अगर कैटायन या एनायन दोनों पे, तो उनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये दोनों क्या है, एसएन क्या है, कैटायन है, तो जिस कैटायन पे कम चार्ज होगा ना वो ज्यादा आयनिक होता है, तो ये जो है ये ज्यादा आयनिक है। अगर ये ज्यादा आयनिक है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो इसका मतलब ज्यादा कोवेलेंट कौन हो गया, SnCl4। ठीक है, तो किसी भी तरीके से तुम आंसर निकाल सकते हो। देन कम्स PbCl2, PbCl4, तो इसमें क्या होगा, Pb+2 में है और Pb+4 में है, तो जिसपे जिस कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, तो PbCl4 इज मोर कोवेलेंट देन PbCl2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर किसको डिस्कस, 10th को। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10th को देखें तो 10th में क्या होगा बताओ, CrO Cr2O3 एंड देन कम्स Cr2O7-2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनायन भी हमारा सेम है, कैटायन भी हमारा सेम है, तो यहाँ पे हमारे डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मे बी चार्ज हो सकता है डिसाइडिंग फैक्टर। तो अब हम इसके चार्ज को देखेंगे कि क्रोमियम पे कितना कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब तुम लोग चार्ज निकालोगे तो देखोगे इस पे प्लस 2 चार्ज आ रहा है, इस पे प्लस 3 चार्ज आएगा, और इस पे कितना आ रहा है, प्लस 6। तो ये चार्जेस इन क्रोमियम पे डेवलप हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, है ना। तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें क्या होगा बेटा, पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा ये, फिर ये, और सबसे लास्ट में होगा CrO। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 11th को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कैटायन सेम है एनायन सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर विल बी चार्ज, है ना, क्योंकि दो ही तो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, चार्ज और साइज। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि MN पे यहाँ पे इस पे प्लस 2 चार्ज आएगा, इस पे प्लस 4 आएगा, इस पे प्लस 7 आएगा। तो ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, MnO4- फिर होगा MnO2, फिर सबसे लीस्ट क्या होगा, MnO। ठीक, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को समझ आए होंगे। ये जो लास्ट वाला है ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी तुम क्या करोगे, तुम्हें दिख रहा है कि कैटायन सेम है एनायन डिफरेंट है, एनायन डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, हम साइज ऑफ एनायन से निकाल सकते हैं क्योंकि चार्ज तो सभी एनायन पे सेम होगा। तो साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसमें पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा एनायन का साइज किस में है, AgI में। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे किस में होगा, AgI में, फिर कम्स AgBr, फिर आ जाएगा हमारा क्या, AgCl, फिर आ जाएगा हमारा AgF। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फजांस रूल के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे बहुत बड़े रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे कि मतलब तुम उसी में 10 घंटे उलझे रहो, क्वेश्चंस सिंपल रहेंगे। बस तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें थ्योरी पता है बहुत अच्छे से और तुमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो तुम्हारा जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा मैंने बताया था तुम्हें खुद से एक जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो उस पे क्वेश्चंस करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश रखना है, बिना टेंशन लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो फिर अगर ये क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गए, फजांस रूल समझ आ गया है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।